कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पंचकुला द्वारा आज पलवल में कृषि अवरचना कोष विषय को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। परियोजना निरीक्षक इकाई के इंचार्ज सीएम धीमान ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर कृषि उप निर्देशक पलवल डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, लीड बैंक मैनेजर विवेक बंसल भी मौजूद रहे। परिवहन निरीक्षण इकाई के इंचार्ज सीएम धीमान ने बताया कि कृषि क्षेत्र में कृषि अवरचना के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा 1,00,000 करोड़ रुपए की धनराशि से कृषि अवरचना कोष का गठन किया गया है। यह योजना 2032-33 तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि 1,00,000 करोड़ रुपए की धनराशि कृषि संबंधित फसलों उपरांत गतिविधियों जैसे अनाज एवं फसल सब्जियों के रख रखाव, संरक्षण एवं प्रबंधन के बुनियादी ढांचों और सामुदायिक कृषि परिस्थितियों हेतु उपलब्ध करवाई गई है। इस कोष का निर्माण फसल की कटाई के उपरांत प्रबंधन ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया है। योजना का उद्देश्य किसान एवं खेती से जुड़े उद्यमों को इस ओर निवेश करने एवं आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा किसानों को खाद मानकों पर आधारित उच्च गुणवत्ता की उपज के लिए प्रोत्साहित कर उनके उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराना है। इसमें ऐसा है जी, ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इसमें बहुत अच्छी सुविधाएं हैं किसान भाइयों के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारी फसल का बहुत नुकसान होता है इसमें, चाहे वो कृषि की हो या हॉर्टिकल्चर की। तो इसमें अगर वो जुड़ेंगे तो इसमें सारे जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ हैं, मान लो कोल्ड स्टोरेज बनाने हैं, कोई प्राइमरी प्रोसेसिंग करनी है या उसको रेफ्रिजरेट करके करना है, प्राइमरी चैम्बर बनाने हैं, या ड्रोन्स भी एलिजिबल हो गए हैं, प्रिसीजन फार्मिंग भी एलिजिबल हो गई है। तो इन सबका हमने प्रचार प्रसार के लिए किसान भाइयों को भी बुलाया था, अपने सारे बैंकर्स फ्रेंड्स को बुलाया था, हमारे साथ इधर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के भी अफसर आए हैं, तो जैसे DDA भी आए हैं और DHO भी आए थे, बाकी भी डिपार्टमेंट से हमने इन्वाइट किए थे, FPOs को इन्वाइट किया था और ये बताया था भी इस स्कीम का वो अधिक से अधिक कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई क्वेरी भी आई सामने? क्वेरी आई, लोगों को कुछ पता नहीं था इंटरेस्ट सबवेंशन मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना होगा, इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन कितना मिलेगा, अगर हम इसमें मान लो किसी और स्कीम से सब्सिडी ले लेते हैं तो तब भी क्या इस स्कीम में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने बोला कि हाँ जी, आप इस स्कीम का, ये टॉप अप स्कीम है, इसमें दोनों स्कीमों का फ़ायदा उठा सकते हैं और ऐसी ये विरली स्कीम बनती है। बहुत कम स्कीमें ऐसी हैं जिसमें कि आप दो स्कीमों की जो सब्सिडी वगैरह है या इंटरेस्ट सबवेंशन है वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई मैसेज डिलीवर करेंगे किसानों के लिए? किसानों को ये करेंगे कि इसमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी है, क्योंकि फसल की कटाई के बाद हमारा बहुत नुकसान होता है, 20-25% तक फसल ख़राब हो जाती है। तो ऐसी स्कीमें लीजिए, अपनी स्टोरेज फैसिलिटीज़ बढ़ाइए, अपने FPO बनाइए, उसमें वैल्यू एडिशन करके क्रॉप को भेजेंगे, उनको जो है कीमत भी ज़्यादा मिलेगी और सही समय पर, मान लो इस समय जब फसल आती है तो प्राइस कम मिलता है, तो जैसे अगर मान लो 15-20 दिन भी स्टोर करते हैं या महीना स्टोर करते हैं तो उसके बाद हो सकता है उनको 1.5 गुना मिल जाए, 2 गुना मिल जाए, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू।